गाइस, दिस इज़ निधि चौधरी फ्रॉम IIT बॉम्बे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। अब मैं स्टार्ट करूँगी, हम मैटलैब की हेल्प से ग्राफ कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, तो हम इस वीडियो में वही देखेंगे। तो हम y इज इक्वल टू x लाइन बनाएंगे। पहले x की रेंज दे देते हैं, x को क्या क्या वैल्यू देनी है। लेट हम इसको 1 और 2 वैल्यू देते हैं, बस 1 और 2। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स। और हम प्लॉट करने के लिए ग्राफ क्या कमांड यूज़ करते हैं, वो है प्लॉट। प्लॉट y प्लॉट करना है तो यहाँ पे y लिख देते हैं, सेमी कोलन। अब कंट्रोल s से सेव करके इसको रन करके देखते हैं, तो ये ग्राफ हमारे पास आ गया है 1 और 2 वैल्यू के लिए। एक्स 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, 2 पे 2 आएगी, तो 1 और 2 पे इसने स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब हम चाहते हैं कि ये एक्स की वैल्यू और हमें और एक्स की वैल्यूज़ के लिए ग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे 3, 4, 5 जो भी वैल्यूज़ के लिए चाहिए उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें, मान लो हमें 1000 तक इसका ग्राफ बनाना है, 1, 2, 3, 4, 1000 तक, तो हमें ऐसे 1000 तक लिखना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम जो लास्ट वीडियो में बताया था वो यूज़ करेंगे। 1, 1, 2000। अब ये 1, 2, 3 up to 1000 वैल्यूज़ के लिए ग्राफ प्लॉट करेगा। अब हम प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ। देखो, आप देख सकते हैं ये 1000 तक प्लॉट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इस लाइन का जो कलर है वो रेड हो, तो हम रेड कलर प्लॉट वाई कोमा करके हम इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे, और हम इसके अंदर लिखेंगे आर। आर का मतलब है ये रेड कलर आएगा अब ग्राफ का। अब रन करते हैं तो आप से देख सकते हैं ये रेड कलर आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये डैश्ड लाइन बने, तो हम यहाँ पे डैश डैश करेंगे, तो अब ये लाइन डैश लाइन बनेगी। तो अब ये डैश लाइन बन गई है, ओ यूज़ करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्कल सर्कल बन गए हैं, सर्कल सर्कल हमने ओ यूज़ किया, इसलिए स्टार यूज़ करके देखते हैं तो यहाँ पे स्टार स्टार बन जाएंगे। दोबारा रन करके देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं अब स्टार स्टार बन गए हैं, पहले ओ बन रहे थे अब स्टार बन गए हैं। अब हम इसका कुछ भी कलर और चेंज करके देख लेते हैं। अब चेंज करके देखते हैं कलर, तो ये ब्लू कलर हो गया है। और जो भी आप जिस कलर का बनाना चाहते हैं उस कलर का आप बना सकते हैं। हम डैश लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ग्रीन कलर का बना देते हैं इसको, डैश डैश ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का बन गया है। अब हम चाहते हैं कि हम इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबलिंग करें, और हम इस ग्राफ को एक टाइटल भी दें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड एक्स लेबल, और इसके अंदर कोमा में लिखेंगे जो भी हम लेबल करना चाहते हैं इसको। तो हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे लेट्स टाइम, टाइम लिख देते हैं यहाँ पे, और हम वाई लेबल दे देते हैं लेट्स डिस्टेंस। अब हम इसको टाइटल भी दे रहे हैं, एक टाइटल हम दे देते हैं
डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये आपके सामने है, ये यहाँ पे एक्स लेवल पे टाइम आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया। तो ये लेबल हो चुका है हमारे पास। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, और हम एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ बना सकते हैं। पर अगर हम इसको एक्स डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो इसमें ये रन नहीं करेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस रन करके देखते हैं। तो ये रन नहीं किया, पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि क्योंकि इसमें जो एक्स स्टार एक्स है, हमने एक्स की वैल्यू 1 से 1000 दी है, तो अब इसने एक्स की वैल्यू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे या 1 को अगली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करे ये नहीं पता। तो अगर हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हम, तो हमें डॉट स्टार यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ। तो यहाँ पे डॉट और लगा देते हैं हम, कंट्रोल एस। अब हम रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक ग्राफ हमारे पास बन गया है। और भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐड कर देते हैं, प्लस सी का ग्राफ बना रहे, सी को वैल्यू दे देते हैं 9। लेट अब दोबारा रन करते हैं इसको। तो ये रन हो गया है। अब हम क्यूबिक जैसा भी हमें ग्राफ बनाना है वैसा ग्राफ हम बना सकते हैं।